हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटेसी लकी 11 पर। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5। जी हाँ, रात भर मेहनत करके आपके लिए डेटा निकाला है दोनों ही टीम का, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा और आप बहुत सारे पैसा बनाए वीडियो देखने के बाद। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, जो भी आप खेले, सब जगह पर आप विन करें, मैं यही दुआ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैच खेला जाने वाला है 5वां फैनकोड ECS का, जो नया टूर्नामेंट शुरू हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट अभी तक गया हुआ है। कुछ अच्छी टीमें हैं, कुछ कमज़ोर टीमें भी हैं। अगर आप डेटा को फॉलो करोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम कमज़ोर है। दोस्तों, तो डेटा को अच्छे से समझिए, बुक पेन ले लीजिए जब भी मैं वीडियो आप देखते हैं मेरा, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में लिखी भी नहीं जाती और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोलकर बताता हूँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना लोगे, बताई हुई बातों को भी लिख लोगे और डेटा को भी अच्छे से यूज़ करोगे, तो आपकी ग्रैंड लीग तो पक्की है, जैसा कि बाकी सब लोग जीत रहे हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैच खेला जाने वाला है MTV के और MTV वर्सेस SGH के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। डेटा टूर्नामेंट के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा सब कुछ। आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा, टीम से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए हुए हैं मैंने। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप ए के मैच फिलहाल हो रहे हैं और कल भी जो मैच होने वाला है ग्रुप ए के टीम का ही है। फिलहाल यहाँ पर बता दूँ मैं, दो मैच खेलकर KHTC की टीम दो मैच खेली और दोनों ही जीत गई, टॉप पोजीशन पर है। MTV ने दो मैच अपने खेल लिए हैं और दोनों ही जीत गई और टॉप पोजीशन पर है, सेकंड नंबर पर। SGH ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, वो खेलने वाली है MTV के सामने। FCT की बात करूँ तो दो मैच अपने हार चुकी है, वहीं MTSV भी अपने दो मैच हार चुकी है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो आर्टिफिशियल पिच यहाँ पर यूज़ होती है T10 के सभी मैचों में, हम जानते ही हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर आप पकड़ कर चलिए 80 से 100 का आप पकड़ कर चलिए। अच्छी टीम जो होती है वो तो लगभग 100 प्लस मार ही देती है, और जो कमज़ोर टीम होती है लगभग 50-60 पर ऑल आउट भी हो जाती है। जैसा कि हमने देखा, 10-10 ओवर में टीमें विकेट तो नहीं दे रही है बट 60-70 रन ही मार पा रही है, और वो आराम से अच्छी टीमें चेस कर ले रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की। रिसेंट मैच की अगर बात करूँ तो MTV ने लास्ट 5 मैच में लगभग 3 जीते हैं और 2 हारी है। अच्छे फॉर्म में वो टीम नज़र आ रही है। एवरेज स्कोर इनका 97 होता ही है, मतलब 100 रन तो ये आराम से मार ही लेती है, और इनके सामने कोई कमज़ोर टीम आ गई तो समझ लो फिर तो 100 के ऊपर ही रन जाएंगे। अब जैसे कि कल की मैच में भी हो सकता है, SGH की टीम है वो डेब्यूट कर रही है ECS के अंदर। T10 मैच इन्होंने अभी तक नहीं खेला है, इनका पहला मैच है। अब बात कर लेते हैं स्क्वाड की। MTV के स्क्वाड की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इनका लंबा स्क्वाड है। मैंने यहाँ पर प्लेयर के प्रोफाइल लिख दिए हुए हैं कि कौन सा बॉलर किस स्टाइल से बॉलिंग करता है और कौन सी स्टाइल में बैटिंग करता है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा कौन स्पिनर है और कौन फास्ट बॉलर है, आपके लिए आसान अगर होता है ग्रैंड लीग में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आप बात कर लेते हैं करियर स्टेट की। तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर प्रशांत का। प्रशांत की अगर बात कर ले तो 66 मैच का इनको एक्सपीरियंस है अपने करियर में। ये यहाँ पर T20 और वनडे मैच के मिक्स डेटा है दोस्तों, ध्यान में रखना दोनों ही मिक्स डेटा है, T10 का ये डेटा नहीं है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रशांत का अभी तक का सफ़र जो रहा है करियर का काफ़ी अच्छा रहा है। 100 और 550 लगाई है, 85 विकेट भी लिया हुआ है। हालांकि करंट
मैच में दोनों ही मैच में उनको खेलने का मौका नहीं मिला है, हो सकता है कल के मैच में, आने वाले मैच में उनको खेलने का मौका मिल सकता है। बासी तोरिया की अगर बात कर लो तो 51 मैच में 1000 प्लस रन मारे हैं और 226 नॉट आउट की एक बहुत ही बड़ी पारी भी खेली हुई है, तो आप सोच सकते हो कितने अच्छे ये बैट्समैन है। चौके छक्के भी आप देख लो, विकेट भी देख लो, एक एक प्लेयर की मैं बात नहीं करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके सारा डेटा समझ लेना, मैं आगे चलता हूँ। एक एक प्लेयर की अगर बात करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा प्लेयर कितना, किसने क्या इम्पोर्टेंट है, किसने कितनी विकेट ली है, वो खास तौर पर देख लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कल के मैच में अगर प्रसन्नता खेलते हैं तो वो ओपन करेंगे, क्योंकि वो T20 मैच में ओपन करते हुए ही नज़र आए हैं। बसित ओरिया की बात कर लूँ तो अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, वो ही ओपन कंटिन्यू करते हुए नज़र आएंगे। वन डाउन आपको सचिन नज़र आएंगे, उसके बाद में गौरव सिंह है, कभी कभार ऊपर आते हैं कभी कभार नीचे भी आते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में हमने देखा चेस करते हुए कि ऊपर आते हैं और जब बैटिंग फर्स्ट बैटिंग रहती है तो ये अपने आप को डाउन कर देते हैं, और कोई टीम में अगर हीटर अवेलेबल है तो उसको प्रमोट करते हैं अपने से ऊपर। दोस्तों टीम के कैप्टन है गौरव और विकेट कीपिंग करेंगे सचिन मेंडी। उसके बाद में बात कर लूँ तो बेंच पर भी कुछ प्लेयर हैं जिनके खेलने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग कौन कैसी करेगा वो मैं बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। उज्जवल जो है पहली ओवर कर रहे हैं बसित ओरिया के साथ, अब यही दोनों 10वीं और 9वीं ओवर भी कर रहे हैं। दोस्तों याद रखो यही दोनों पहली दूसरी भी कर रहे हैं और यही दोनों 9वीं और 10वीं भी कर रहे हैं, बाकी सारी ओवर डिवाइड हो रही हैं बीच के अंदर। तो मिडल ऑर्डर में बॉलिंग कर रहे हैं प्रकाश, गौरव और डेथ के पहले की ओवर जो होती है जैसे कि 7वीं 8वीं, तो वो ओवर कर रहे हैं सूरज, ब्रिजेश और असगर, ये ओवर खत्म करते हैं। उसके बाद में फिर 9वीं और 10वीं फिर बसित और ओरिया करते हुए नज़र आए हैं दो मैच के अंदर। अब आगे और क्या होता है वो हम नहीं बता सकते। टीम के पास स्पिनर भी मौजूद है, तो स्क्वाड में देख लीजिएगा कौन कौन से स्पिनर है। फिलहाल असगर है, गौरव है और प्रशांत है, ये तीनों ही स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। दोस्तों आगे चलता हूँ, बात कर लेते हैं की प्लेयर की, तो की प्लेयर यहाँ पर आपके लिए डेटा के हिसाब से मैंने ये निकाले हुए हैं। दोस्तों अब डेटा का मतलब ये होता है कि प्लेयर ने ऐसा परफॉर्म किया हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले मैच में आते ही कोई भी बैट्समैन 50-60 रन मार ही दे और कोई भी बॉलर पहले ही मैच में आके 3-4 विकेट ले ही ले, ज़रूरी नहीं होता है। दोस्तों प्लेयर को एक दो मैचेस जाती है रिदम पकड़ने के लिए, तो कुछ बैट्समैन होते हैं जो पहली मैच में ही अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो शुरुआत के एक दो मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते बट आने वाले मैचेस में उनका फॉर्म आता है और वो अच्छा करते हैं। दोस्तों T10 में अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है। बॉलर की अगर बात कर लूँ तो बहुत अच्छे अच्छे बॉलर विकेट नहीं ले पाते हैं और जो बेकार बॉलर होते हैं उनको मारने के चक्कर में अक्सर विकेटें मिल जाती है। कहीं कभार तो ऐसे बॉलर नॉर्मल बॉलर हैट्रिक भी लेकर चले जाते हैं। दोस्तों T10 में तो ऐसा भी हुआ हुआ है। दोस्तों तो कौन से दिन कौन किस किस को हीरो T10 बना देती है हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल सोच समझ कर टीम बनाए कीजिए और ध्यान रखा कीजिए कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को पकड़ कर मत रखिए कि ज़रूरी है नहीं है कि यह बैट्समैन चलेगा ही, ऐसा भी मानना ज़रूरी है अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो कि यह बैट्समैन नहीं चलेगा, तो प्लस और माइनस दोनों ही आपको सोचकर चलना है। अब बात कर लेते हैं टूर्नामेंट में टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। टीम ने अभी तक दो मैच खेले हैं करंट टूर्नामेंट में, रिसेंट टूर्नामेंट में, और दो मैच खेली और दोनों ही जीती है। हालांकि इनके दोनों ही मैच में ओपनर जो है बदली हुए हैं। दोस्तों जी हां, दोनों ही मैच में अलग अलग ओपनर आए थे, बस सिर्फ बसित ओरिया ही थे जो फिक्स थे। उसके अलावा टीम ने एक मैच में शंका को ओपन भेजा और दूसरी मैच पहली मैच में सूरज लाल ओपन करने आए हुए थे, तो दोनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस कुछ दिया नहीं है। तो हालांकि हो सकता है कि हमें तीसरे मैच में अब तीसरा ओपनर भी देखने को मिल सकता है जिसका नाम मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया हुआ है।
उसके बाद में अगर बात करें तो बसित ओरिया ने दो मैच में दोनों ही अच्छी अच्छी पारियां खेली और दोनों दो दो ओवर भी करते हुए नजर आए, इसीलिए ये सीवीसी के लिए बहुत अच्छे दावेदार है स्मॉल लीग के अंदर। देखिए ऊपर से अगर बात कर लूँ यहाँ पर गौरव सिंह राठौड़ की, तो राठौड़ का एक मैच में 7 रन मारे और दूसरी मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई, दोनों ही मैच में एक एक विकेट भी लेकर गए, इसीलिए वीसी के लिए सीवीसी के लिए ये भी बहुत अच्छे दावेदार हैं। प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह की अगर बात कर लूँ तो दो दो ओवर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद में असगर अमरखिल को एक मैच खेलने का मौका मिला और उसी मैच में उन्होंने 2 ओवर की और 1 विकेट लेकर गए। टीम के मेन बॉलर उज्ज्वल दोनों मैच में 2-2 ओवर डाली और 1-1 विकेट लेकर गए, इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, ग्रैंड लीग में तो आपको आराम से सीवीसी भी ट्राई करना ही है इनको। अब आगे चले हो तो ये कुछ प्लेयर हैं जो टीम ने 2 मैच में इतने सारे चेंजेस कर दिए हुए हैं, यही मुझे बहुत बुरा लगता है। टीम के पास अगर 18-20 प्लेयर हो तो हर मैच में कुछ ना कुछ चेंजेस वो करते रहती है और उसी चक्कर में हम फंस जाते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। तो जितने भी प्लेयर नए नए आते हैं ना दोस्तों, तो हर टीम में एक एक प्लेयर को यूज़ किया कीजिए, क्योंकि क्या पता कौन बैटिंग से पॉइंट दे दे और कौन बॉलिंग से पॉइंट दे दे और आपके लक निकल जाए अगर आपकी टीम में हो तो। ग्रैंड लीग में अक्सर ये बहुत ध्यान देना होता है। बाकी आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम से भी अगर प्लेयर के बारे में जानना है प्रोफाइल तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से कौन स्पिनर है, कौन ओपन करता है और किसका क्या है स्टाइल, आप देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ और बात कर लेता हूँ करियर स्टेट की, तो जिस प्लेयर का मुझे करियर स्टेट मिला है उसका मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर लिया हुआ है और काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है टीम के पास और बहुत, जब देख सकते हो आप 100+ मैच खेले हुए प्लेयर है टीम के पास और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो टीम को हम कमज़ोर नहीं मान सकते। हालांकि T10 का इनको एक्सपीरियंस नहीं है और फिलहाल थोड़ी देखते हैं टीम कैसा करती है दोस्तों, आप डेटा को देख लीजिएगा और कौन से प्लेयर क्यों खास है वो भी आप देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूं और बात कर लेता हूं। अगेन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे प्लेयर का डेटा बहुत अच्छा होता है बट फॉर्मेट भी डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ प्लेयर ने ODI में अच्छा खेला है, किसने T20 में अच्छा खेला है और T10 जब आता है तो T10 में और स्पीड चाहिए होती है और एनर्जेटिक बैट्समैन चाहिए होते हैं, तो वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो प्लेयर है वो उतना अच्छा खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, उतना अच्छा वो हीटर है कि नहीं है, 6 चौके किसने कैसे मारे हैं, तो वो सब देख के अपने प्लेयर को सिलेक्ट किया कीजिए दोस्तों। प्लेइंग 11 की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले सफ़ी रहमान है जो ओपन करते हुए नज़र आएंगे सारन कन्ना के साथ, कनन के साथ जो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। वन डाउन आ सकते हैं मुदस्सर इकबाल, फिर आएंगे तुषिता जो कैप्टनसी कर रहे हैं टीम की, फिर उसके बाद में इंडिका गुनसेकरा भी है, फिर चमीला बंदारा है, हमजा महमूद है, अत्तर रहमान है, रोमल बरकजाई है, मुनीब मोहम्मद है और अंकित तोमर है दोस्तों। बेंच पर भी कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर खेलते हैं तो हमें ट्राई ज़रूर करना है। अब बॉलिंग से बात कर लूँ तो पहला ओवर करते हुए नज़र आ सकते हैं अंकित तोमर और दूसरा ओवर करते हुए नज़र आ सकते हैं मुदस्सर इकबाल, ऐसा ऑफिशियली बताया गया है और बाकी कौन से बॉलर कब आएंगे वो मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि टीम पहली बार T10 खेल रही है तो क्या एक्सपेरिमेंट करती है एक दो मैच में देख कर ही पता चलेगा दोस्तों। फिलहाल इतना तो बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि अंकित तोमर और मुदस्सर इकबाल ही पहला दूसरा ओवर करते हुए नज़र आएंगे। टीम के पास स्पिनर और भी हैं बहुत सारे, स्क्वाड में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर 2 स्पिनर के मैंने नाम लिखे हैं जो टीम यूज़ कर सकती है, मुनीब मोहम्मद और रोमल बरकजाई, तो ये 4 बॉलर तो आपके लिए पहली मैच के लिए निकल कर आ ही गए हैं। की प्लेयर्स की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने नाम लिख कर रखे हैं और क्यों है वो ऑलराउंडर 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 है ज़्यादातर टीम के पास, बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और जो प्लेयर खेलता है उसके हिसाब से आपको लेना है और जब प्लेइंग 11 आ जाएगी तो फटाफट से आप डेटा को देख लीजिएगा और अपने हिसाब से टीम ले लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हमारे हेड टू हेड टीम की,
दोस्तों ये डेमो टीम है आपके लिए मैंने बना कर रखी है ताकि आपको समझ पाए कि किस किस प्लेयर को आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फॉर्म में जो प्लेयर है फिलहाल ओरिया बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके बाद में मैं वीसी जा रहा हूँ गौरव के ऊपर और यहाँ पर मैंने प्रकाश को लिया हुआ है जो कि ओपन करते हैं खेलते हैं तो मैं उनको लूँगा, अदरवाइज उनको मैं निकाल दूंगा ऑलराउंडर सेक्शन से। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने सफ़ी के ऊपर ज़्यादातर लोग जा रहे हैं और आप भी जा सकते हो और क्योंकि वो ओपन करेंगे और ओवर भी कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग जो है इनकी बहुत तगड़ी है, किसकी, एमटीवी की, इसीलिए एमटीवी के बॉलिंग बहुत अच्छी है तो ओपनर आउट होंगे ही, इसीलिए मैं ओपनर को अवॉइड कर रहा हूँ और मिडल ऑर्डर के बैट्समैन लेकर जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए ये डेमो टीम है, इस टीम को आप ट्राई कर सकते हो। लाइनअप आने के बाद कुछ भी चेंजेस रहेगा तो अपडेट टीम में टेलीग्राम पर दे दूंगा अगर पॉसिबल रहा तो। अब मैं 5 बजे तो ये वीडियो ही बना रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं सोता रहूँ। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मैच प्रिडिक्शन की। तो मैच कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से एमटीवी के 60% चांस है मैच जीतने के। क्यों, क्योंकि उनके पास टीम बहुत तगड़ी है, बॉलिंग इनका बहुत अच्छा है, लो स्कोर में ऑल आउट कर देती है और खुद बैटिंग पर आती है तो 100 रन आराम से ऊपर मार ही देती है, तो इसीलिए इनके जीतने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। SGH कुछ कम्बैट कर सकती है, फाइट कर सकती है, 40% चांस मैं इनको दे रहा हूँ मैच जीतने के। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरे हिसाब से है, ये गलत भी हो सकता है, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं पूरे डेटा को देखकर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।